डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद अली मकबूल आप सभी का अलीग जीएस क्लासेस में वेलकम स्वागत और खैर मकदम करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। ये टेस्ट 17 मई को होगा, 17 मई 2019 को। इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी कैसे तैयारी करेंगे और पिछले साल के सवाल कैसे आए थे, वो भी सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं पहले इसके सिलेबस को कि जामिया मिलिया का ये सिलेबस क्या है और आपको इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ये देखिए, आपको जो यहां से पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे क्लास 6 जेएमआई टेस्ट 2019-20। डेट ऑफ टेस्ट जो है आपका ये है 17 मई 2019 को है। ड्यूरेशन इसका होगा 2 आवर्स, टाइम होंगे इसके 10 से 12, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, मीडियम आपका होगा इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। और इसके अलावा इसमें आपसे कोई निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, यानी कि जो सवाल नहीं भी आए उसमें भी आप अंदाज पे कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। सही हुआ तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर गलत हुआ तो नंबर नहीं काटे जाएंगे। उसके बाद आइए देखते हैं इसके सिलेबस यानी सब्जेक्ट क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। इसमें होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज 50 मार्क्स, यानी के साइंस होंगे। मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकेसी स्किल टेस्ट 25 मार्क्स, लैंग्वेज इंग्लिश टेस्ट 25 मार्क्स, टोटल होंगे 100 मार्क्स। इसमें आपको क्लास 5th की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस भी जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने गाइड में, एडमिशन गाइड में दे रखा है, क्लास 5th की साइंस के अलावा मैथमेटिक्स, और इसमें इंग्लिश में जो पूछे जाएंगे वो ग्रामर से सवाल होंगे। ग्रामर यानी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़िएगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। कुछ टेंसेस से भी सवाल होते हैं। अभी इसके बाद हम जब ये इसके को प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे वो देखेंगे तो और भी अंदाजा हो जाएगा कि सवाल कैसे पूछे गए थे। तो आइए अब देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को हम देखेंगे और इसे सॉल्व भी करेंगे। ये देखिए, जामिया मिलिया 6 एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट 2018-19 में ये पेपर पूछे गए थे। पहले शुरू हो रहा है मैथमेटिक्स, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इसका जो आंसर्स है ये आपका है सी, यानी के 5.5। नेक्स्ट देखिए, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ओड प्राइम नंबर्स इज, इसका होगा आपका आंसर ए। नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसका भी आंसर आपका ए होगा। और नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, इसका आंसर आपका होगा ये 5.6 बी। आइए इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट। यानी के क्लास, यानी के क्वेश्चन नंबर अब ये 5 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ 2 kg, 200 ग्राम एंड 500 ग्राम इज, कितना होगा 5 का ये आंसर होगा, क्योंकि 4th का आंसर यहां पे आपको था ये बी और 5 का आंसर होगा ये यहां पे डी। 6 देखिए, द एवरेज ऑफ 3 hours 40 minutes and 20 seconds इज, 6 का आंसर होगा आपका ए होगा।
7 देखिए, इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। 7 का आंसर होगा ये आपका सी। और उसके बाद आप आइए देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। A man purchased 500 eggs to sell. He found that 10% of them were broken. How many eggs were found not broken? इसका आंसर होगा 450. 8 का बी। 9 देखिए, In a class of 35 students, 20% students are absent. How many students are absent? इसका होगा 8, 9 का बी। एंड 10 देखिए, आउट ऑफ रुपीज 25,000 मिस्टर खालिद स्पेंड रुपीज 10,000 ऑन हिज हाउस, व्हाट परसेंट ऑफ मनी डिड ही स्पेंड। 10 का आपका ये आंसर होगा सी 40%। 11 देखिए, सुहाना सेल्स अ सोफा सेट फॉर रुपीज 9600 यानी 9600, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा सेट। 11 का होगा, आप निकालेंगे तो आएगा आप इसका आंसर डी। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ऑन सेलिंग एट आर्टिकल्स फॉर रुपीज 329 अ डीलर लॉस्ट 6%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। 12 का देखिए होगा आपका डी होगा, जो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे है, ये आपका आंसर होगा डी। 13 If 20% boys in a school have passed, find the total number of past students if the school has 750 enrollments. 13 का आपका होगा ये 150 सी। 14th देखिए, a man sold a sari for rupees 180 at a loss of rupees 7, then cost price of sari is, यानी 14 का देखिए ये होगा आपका सी 187। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ बाइसिकल इज परचेज ऑफ रुपीज 1800 एंड इज अ सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, इट्स सेलिंग प्राइस इज 15 का ये होगा आपका बी 2016 ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 16। इफ मोहन्स इनकम इज 25% मोर देन रमन्स इनकम, देन रमन्स इनकम इज लेस देन द मोहन्स इनकम बाय 16 का आपका ये आंसर होगा ए 17 देखिए, द आवर एंड द आवर हैंड टेक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यहां फिल करना है आवर्स टू कंप्लीट वन फुल राउंड। 17 का आंसर आपको होगा ये 12B। 18 देखिए, द मिनट हैंड मूव फ्रॉम 7 to 8 इन फिल इन द ब्लैंक्स मिनट्स, 18 का आपका आंसर होगा बी 5। आइए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। In a leap year, February has fill in the blanks days, 29 days leap years में होते हैं वरना वैसे 28 होते हैं। Next देखिए, the branch of mathematics in which we study numbers is, उसे क्या कहते हैं, उसे arithmetic कहते हैं। Next देखिए, the branch of mathematics in which we study shapes is, उसे क्या कहते हैं, 21 का देखिए, उसे कहते हैं geometry। नेक्स्ट देखिए, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 45 डिग्री ईच द ट्रायंगल इज 22 का आपका होगा ये सी आइसोसेलेस। नेक्स्ट देखिए, हाफ ऑफ अ सर्किल इज नोन एज सेमी सर्किल। आइए अब इसके बाद में देखेंगे 24th।
The length of a circle is called 24th का होगा D circumference and 25th देखिए the perimeter of circle is called 25th the perimeter of a circle is called यहाँ पे होगा D circumference. आइए नेक्स्ट देखते हैं 26 देखिए Which of the following dissolves in water? 26 का देखिए ये होगा B. जैगरी 27th का देखिए Which of the following sinks in water? A nail. 27 का C. Next देखिए Which of the following does not dissolve in water 28 का A आयल अब नेक्स्ट देखिए 29 साल्ट इज मेड फ्रॉम 29 का हो गया A सी वाटर और 30 देखिए नेम द सी ऑन विच एवरीथिंग फ्लोट्स 30 का आप देखिए ए डेड सी आइए इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं 31 इन विच ईयर डिड गांधी जी गो ऑन द डांडी मार्च 1930 गांधी जी वेंट ऑन डांडी मार्च यात्रा फ्रॉम ये बी अहमद अहमदाबाद टू डांडी सी शोर महात्मा गांधी अंडरटुक द डांडी मार्च अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स इसके खिलाफ अंग्रेजों ने ब्रिटिश ने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था जिसकी वजह से गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला था नेक्स्ट है कि हाउ कैन वी सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम वाटर ए डिस्टिलेशन आइए इसके बाद अब आगे देखेंगे 35 वाटर इज अ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन 35 का ये देखिए बी डिसॉल्व सॉल्ट 35 का ये नहीं होगा 35 का ये होगा 35 डी डिसॉल्व मेनी सब्सटेंसेस 36 देखिए व्हाट इज द सिनोनिम दैट शोज दैट पर्सन हैज मलेरिया 36 का ये होगा आपका शिवरिंग और 37 देखिए इन विच सीजन मलेरिया इज मोर कॉमन होगा रेनी सीजन 37 का ए 38 मलेरिया इज काउज बाय आइए इधर देखते हैं पहले ऑप्शन को आइए यहां पे देखिए 38 का ऑप्शन ये होगा फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है 39 देखिए एनेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ 39 का होगा ए आयरन 40 हु डिस्कवर्ड द पैरासाइट ऑफ मलेरिया 40 का होगा ए डॉक्टर रोनल रॉस नेक्स्ट देखिए मॉस्किटोस ब्रीड इन 41 का होगा आपका बी स्टैग्नेंट वाटर 42 मॉस्किटोज ले एग्स इन 42 का होगा ये सी वाटर आइए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 43 व्हाट इज एनेमिया 43 का ये होगा आयरन डिफिशियंसी डिजीज 44 व्हाट काइंड डाइट इज सजेस्टेड फॉर अ पेशेंट ऑफ एनेमिया इसका होगा डी ऑल ऑफ दीज 44 के बाद देखते हैं 45 विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय मलेरिया लीवर एंड देखिए 46 बचेंद्री पाल इज एसोसिएटेड विथ माउंटेनियरिंग नेक्स्ट देखिए व्हाट इज रैपलिंग 46
इसका आपका आंसर हो जाएगा ये माउंटेन क्लाइंबिंग। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 48 देखिए, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये आपका हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, 49 आपका इसका भी हो जाएगा उत्तरकाशी यानी के बी। और उसके बाद देखते हैं 50, वेयर इज हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, हो जाएगा 50 का सी दार्जिलिंग। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू मिजोरम, इसका आपका आंसर हो जाएगा मिजो। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन व्हील इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 24, व्हाट इज द कलर ऑफ द चक्र व्हील ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग, नेवी ब्लू। नेक्स्ट देखिए 54, आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। नेक्स्ट देखिए 55 से अब देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, 2:3। अ प्लेस वेयर ओल्ड आइटम्स आर केप्ट, उसे कहते हैं म्यूजियम। कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश, आइए उसके बाद देखते हैं 58, फतेहपुर सिकरी इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए हुमायूंस टॉम्ब इज मेड बाय किस से बना हुआ है, तो रेड स्टोन से बना है। आगरा फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, आगरा फोर्ट को किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। मेट्रोज आर कॉमनली नोन एज 62 का आप देखेंगे ये शूटिंग स्टार। नेम द प्लेस वेयर सुनीता विलियम्स इज वर्किंग, इसका नासा ए। 64, इंडियन स्पेस एजेंसी इज 64, ये आपका इसरो, ISRO, आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, फू आई एम का क्या है, तो जाहिर सी बात है ये आपका है पेट्रोलियम, 65 का ए। आइए इसके बाद आप देखते हैं 66, कुकिंग गैस इज known as LPG. Which of the following fuels gives least smoke? Petrol. Next देखते हैं, CNG is a superior fuel to petrol due to A. clean fuel. Which product is non petroleum? यहाँ पे आपका होगा LPG 69 का यह होगा आपका नॉट पेट्रोलियम रबड़, 69 के बाद आप देखते हैं सी, द कैपिटल सिटी ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़, 70 का बी। 71 आइए देखते हैं, से देखेंगे पहले इसे हटा देते हैं, देखिए द कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजी क्राउडेड एंड नोएजी सिटी मुंबई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इन रूट बिटवीन मुंबई टू दिल्ली, आप यहां पे ये सी।
Karnataka, 73. 74, Manali is a. मनाली इज आ 74 का ये वी हिली एरिया है मनाली आपको हिमाचल प्रदेश में. नेक्स्ट देखिए 75 अर्थक्वेक इज कॉज बाय शेकिंग ऑफ अर्थ 75 का ए. आइए उसके बाद देखते हैं 76 और फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट पेज द सिनोनिम. अब यहां से आपका इंग्लिश शुरू हो रहा है. देखिए इंग्लिश में सिनोनिम भी पूछे गए हैं. सिनोनिम ऑफ द वर्ड बोल्ड इज 76 का ये आपका होगा सी ब्रेव 77. 77 द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मॉडल इज जाहिर सी बात ये होगा एग्जाम्पल एक ही तरह का होता है मॉडल या एग्जाम्पल. नेक्स्ट देखिए द सिनोनिम ऑफ द वर्ड of the word cobbler is 78 का बी शू मेकर को कहा जाता है. द अपोजिट ऑफ सेवरल का ये होगा इंडिविजुअल कई का जाहिर सी बात है एक अकेला इंडिविजुअल. अब देखिए 80 द एंटोनिम ऑफ डायनेमिक का हो जाएगा स्टैटिक. द अपोजिट ऑफ वर्ड रिमेंबर का हो जाएगा नीचे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन सी में यहाँ पे आपको ये पहले हटाते हैं ये फॉरगेट. आइए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी के लास्ट पेज 82. चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फैबुलस का आपका एंटोनिम उल्टा आपका क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी. द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अटैक का उल्टा आपका हो जाएगा डिफेंड कोई अटैक करेगा तो डिफेंड. द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंजल एंजल का हो जाएगा डेविल फरिश्ते का ये हो जाएगा बुराई. द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कैनिंग 85 का हो जाएगा ए फुलिश. द यंग वन ऑफ ए शिप इज नोन एज ए लैम्ब 86. नेक्स्ट देखते हैं तो एक ही टाइप के क्वेश्चन यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस तरह के सवाल पूछे गए. अब आइए देखते हैं अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प इज कॉल्ड जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसे फिलाटेलिस्ट कहते हैं. ए काउ इज केप्ट इन अ बाय बायर में बायर में रहता है काउ. एक्वेरियम इज रिलेटेड टू फिशेज. इग्लू इज अ हाउस ऑफ एस्किमो. द फेमिन ऑफ जेंटिल मैन इज 91 का ये जेंटिल विमेन. आइए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. द फेमिन जेंडर ऑफ प्राइम का प्रिंसेस. द फेमिन ऑफ मास्टर का यहां पे आपको हो जाएगा 93 का सी मिस्ट्रेस. अब यहां से देखिए आर्टिकल्स भरना है यानी 94 मिस्टर राम इज एन एमएलए फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी. तब आपने पढ़ा होगा इसका रूल रेगुलेशन तो जाहिर सी बातें आप समझ जाएंगे. इंग्लिश के भी हमारे कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप जाके इंग्लिश की ये सब सारी चीजें आर्टिकल्स भी वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं. आइए उसके बाद अब आखिर क्वेश्चंस को देखते हैं. यहाँ पे खाली जगह है यहाँ पे भरना है मून इज द मून के पहले क्या हो जाएगा द मून इज ब्राइट 95. नेक्स्ट देखिए गिव मी 96 का हो जाएगा यहाँ पे गिव मी अ 1 रुपी नोट 96 का हो जाएगा बी 97 आकिब. आकिब इज एन यहाँ पे हो जाएगा सी एन ऑस्ट्रेलियन. नेक्स्ट देखिए 98 नाउ इज अ इज ऑफ 5
काइंड्स आप यहाँ पे करेंगे वैसे इसके 3 काइंड्स ही लिए जाते हैं, लेकिन आपके लेवल पे यहाँ पे 5 काइंड्स। 99 देखिए, विच इज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रो नाउन, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये दो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रो नाउन। यहाँ पे देखिए, द पर्सनल प्रो नाउन योर इज यूज फॉर, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड पर्सन के लिए आता है यू योर। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे क्लास 6 के ये जामिया मिलिया क्वेश्चन, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और ऐसे यहाँ पे भी आंसर सबका यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है। आप इससे आंसर को मिलाएंगे, पहले आप खुद करिए, उसके बाद में आंसर को मिलाकर देखिए कि आपने कितना सही किया। उम्मीद है कि इससे आपको जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 6 की तैयारी में काफी मदद मिलेगी। तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।